नमस्कार सभी को, बहुत बहुत आभार आपने इतना प्यार दिया, आपने चैनल सब्सक्राइब किया, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज और जिन्होंने लाइक किया उनको भी, हाँ जिन्होंने लाइक किया उनको भी। और मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछली बार हमने जो वीडियो डाला था वो था हमारा नॉन वेजिटेरियन पे, तो नॉन वेजिटेरियन अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और नॉन वेजिटेरियन अब कहीं नहीं अवेलेबल है, सब्जियां आ रही हैं, सब्जियां खरीद के वेजिटेरियन फूड सीरीज देंगे हम अपने घर की फूड सीरीज देंगे, हम किसी को सिखाएंगे नहीं, हमारे घर में हम कैसे सब्जियां बनाते हैं वो बताएंगे। और दूसरा, ये जो चैनल है हमारा लाइफ यू लिव, ये केवल फूड कुकिंग और इन चीजों से नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेवल भी होगा, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे। अजमेर में मैं रहता हूँ तो अजमेर के ब्लॉग्स भी आपको दिखाऊंगा, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो घूमकर हम वहां भी जाएंगे, जैसे पुष्कर हो गया, दरगाह हो गई, जैनियों का मंदिर हो गया, अलग अलग अच्छे अच्छे रमणीय स्थान हो गए, अजमेर के जितने भी रमणीय स्थान है सब दिखाऊंगा। बस इसी तरह से आप मेरे को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके मोटिवेट करते रहिए और विल गेट सून अ बेस्ट ब्लॉग फ्रॉम अजमेर। हाँ जी नमस्कार। तो आज हम सोच रहे हैं कि टिंडे की सब्जी बनाई जाए, क्योंकि गर्मियां बहुत अच्छे से चल रही है और हमारे पास अभी टिंडे, तोरी और लौकी की सब्जी बनाने के लिए है मेनली। तो आज हम आपको नई तरह की, नई तो कह सकते, कहने में नई भी कह सकते हैं और बहुत पुरानी भी, बहुत बरसों पुरानी, डेकेड्स पुरानी, एक्चुअली मेरे दादाजी को बहुत पसंद थी सौंफ वाले टिंडे की सब्जी, तो आज मैं आप लोगों को सौंफ के टिंडे की सब्जी बनाना सिखा। इसके लिए मैंने टिंडे छील लिए हैं, उनको थोड़ा बड़ा बड़ा सा कट कर लिया है, बहुत बारीक कट नहीं करना है, ठीक ठीक कट करना है। एक अगर आपका छोटा टिंडा है तो उसके 4 पीसेस कर लीजिए, अगर बड़ा है तो उसके 6 पीसेस कर लीजिए। आइए तो अब हम बनाते हैं, कुकर में बनाएंगे और मेनली 2 सीटी में, 1 सीटी में हमारे टिंडे पक जाते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या रहता है शेड्यूल अपने का। हमारा कुकर गर्म हो चुका है, अब इसमें हम 1-3 टेबलस्पून के करीब अंदाजे से तेल डाल देंगे। इसमें हमें हींग चाहिए और चाहिए सौंफ। जैसे थोड़ा सा तेल गर्म हो जाता है तब हम इसमें हींग डालेंगे, और सौंफ चाहे तो आप साबुत ले सकते हैं या दरदरी कुटी हुई सौंफ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं अभी आपको आज साबुत सौंफ से टिंडे बनाना बताऊंगी। इसको जरा सा टेस्ट कर लेते हैं कि ये हुआ कि नहीं, थोड़ी सी कसर है, 5 मिनट अपन वेट करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ये गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हींग डालेंगे और हींग थोड़ी सी हो जाए तो सौंफ इसमें अच्छी डालनी है, तो मैं ये 2 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून। और जैसे इसमें कलर आने लगे हम अपने टिंडे उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा टिंडे को इसमें सब्जी में, तेल में और राई के साथ, सॉरी सौंफ के साथ थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, वही रेगुलर मसाले 3 जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने यूज करते हैं, लाइक नमक, मिर्ची और हल्दी। इसके अंदर हम धनिया इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हम सौंफ का यूज कर रहे हैं, सौंफ के साथ धनिया बहुत कम ही जाता है। 1 टेबलस्पून नमक या नमक आपके स्वाद अनुसार, जितनी मिर्ची आप खाते हो उस हिसाब से मिर्ची, जितनी बच्चे और घर वाले सब खाते हो, और 1/4 आपका टीस्पून हल्दी। बस ये 3 से 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी।
देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा कलर रेडनेस आने लग गई है मिर्ची की। थोड़ा सा इसको हम ट्राई इसके साथ स्टर फ्राई करेंगे और उसके साथ ही इसमें हम पानी डालेंगे इतना कि जितना हमारी सब्जी को गलने के लिए टिंडों को चाहिए और थोड़ा सा रस्से वाली अगर जैसे हम रस्से वाली सब्जी चाहते हैं क्योंकि सौंफ के टिंडे रस्से में ही ज्यादा टेस्ट आता है। ये टिंडे मैंने थोड़े से इसके अंदर भून लिए हैं और अब मैं इसके अंदर ये पानी डाल रही हूँ। कितना बढ़िया कलर आया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है हींग की, सौंफ की। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपने इसमें पानी में घुलेगा और ये सारे अरोमास जो उठेंगे बहुत प्यारी खुशबू आएगी और अभी जैसे आ ही रही है हमारी किचन में हींग की और सौंफ की खुशबू। कलर देख रहे हैं आप, रेड कलर आ गया है, थोड़ा सा ग्रेवी नेस जैसा आता है तेल तैर के ऊपर पानी पे वो भी आ चुका है। अब इस बिहाफ पे हम लोग इसको लिड लगा के कुक करने के लिए रख देंगे। हमारी दो विसल आ चुकी हैं, अब हम इसको ओपन कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है सब्जी की। वाओ, सब्जी बिल्कुल रेडी है, बढ़िया खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। एक्चुअली क्या रहता है इसमें थोड़ा सा अगर हमें लगे कि हमारी लिक्विडिटी ज्यादा है तो हम ये थोड़े से टिंडे इसमें मैश कर देंगे, इससे क्या रहेगा कि थोड़ी सी ज्यादा थिक तो नहीं होगी ये ग्रेवी, थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा खाने में। अब मैं आपको इसको सर्व करके या निकाल के दिखाती हूँ बाउल में कि ये कैसी लग रही है। देखिए ये हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार। वाकई देखने में बहुत शानदार बनी है, आज खाना बहुत टेस्टी बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इच्छा हो कि तुरंत ये ब्लॉग एडिट करता हूँ, उसी के साथ मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ मेरे दोस्तों। फिर भी मैं आपको कहूँगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और पास में रखा हुआ बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे और बेल आइकन से आपको हमारी मोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन आपको हर बार नोटिफाई करेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आ रहा है। तो बहुत जल्द फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, रब रखा, बाय बाय।